तो आज की वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ राम मंदिर के, और वो भी चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में राम मंदिर की रेप्लिका बनाई गई है जो कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। तो चलो अब जाकर आपको पूरे अच्छे तरीके से दर्शन करवाते हैं राम मंदिर रेप्लिका चंडीगढ़ की। आ जाओ मेरे साथ। तो अभी मैं पार्किंग वाली साइड आ गया हूँ जहाँ पर ये राम मंदिर की रेप्लिका बनी है सेक्टर 34 में। पार्किंग आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की पार्किंग है भाई। ये पार्किंग बहुत ही खुली डुली पार्किंग है, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे बड़ी बात ये है कि पार्किंग फैसिलिटी है जो फ्री है बिल्कुल। मैं बैक साइड ही हूँ, सामने ही है रेप्लिका जो बनाई गई है राम मंदिर की। तो चलो अभी आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको पूरा अच्छे से दर्शन करवाता हूँ राम मंदिर रेप्लिका का। आ जाओ मेरे साथ, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो भाई अभी से ये सामने दिख रही है थोड़ी बहुत रेप्लिका राम मंदिर की, बिल्कुल सामने से जाके आपको दिखाता हूँ। आ जाओ। तो अभी मैं बिल्कुल पास आ गया हूँ और आपको अभी मैं बिल्कुल सामने से व्यू दिखाऊंगा। सेफ्टी को लेके पूरा ध्यान रखा गया है। आने वाली 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है, उसी के चलते यहाँ पर सेक्टर 34 में राम मंदिर की रेप्लिका बनाई गई है, ताकि जो चंडीगढ़ या यहाँ के ट्राई सिटी के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर ही दर्शन कर पाएँ। और अभी मैं बैक साइड वाली पार्किंग तो आपको दिखा के ही लाया हूँ, और ये है भाई यहाँ की फ्रंट की पार्किंग बिल्कुल मंदिर के सामने। ये भी बहुत बड़ी पार्किंग है, आप देख ही सकते हो है ना इस साइड। और अभी भाई मैं आपको जो दर्शन करवाऊँगा बिल्कुल सामने से करवाऊँगा। पार्किंग फैसिलिटी बहुत बड़ी है पंडाल के आगे भी और पंडाल के पीछे भी। और ये देखो भाई, चेकआउट करो। और अभी जो व्यू आ रहा है सामने, सनसेट होने वाला है, और ये व्यू चेक करो भाई सामने कितना प्यारा लग रहा है। और थोड़ा आपको मैं ब्राइट करके दिखा देता हूँ। देखो भाई कितनी प्यारी रेप्लिका ये बनाई है, और देखने में कितनी ही रियल लग रही है ये। और आप ये भी सोच सकते हो, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, जो रियल में राम मंदिर अयोध्या में बना है वो कितना प्यारा होगा देखने में और कितना सुंदर होगा। तो ये देखो भाई रेप्लिका कितनी प्यारी लग रही है, और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना, और इस जगह पर इसको प्लेस किया गया है इस रेप्लिका को, ताकि जब सनसेट हो तो जो व्यू आए बहुत प्यारा हो। ये देखो भाई, तो चंडीगढ़ में बन चुका है राम मंदिर रेप्लिका, और यहाँ पे लोग दर्शन करने आ रहे हैं। ये देखो भाई, तो आपको ये मैं बाहर का कुछ है ना इसका एरिया दिखा रहा हूँ, बाहर की सराउंडिंग दिखा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। और इस साइड कुछ लोग यहाँ पे आप खा पी भी सकते हो, यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई हैं, लोग इधर आए हुए हैं। और टू व्हीलर की पार्किंग भी यहाँ पे बहुत अच्छी सी है, ये देखो सामने, और कुछ इस तरीके से। और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है बिल्कुल। ये देखो भाई, हर जगह चंडीगढ़ पुलिस अपने अच्छे तरीके से ड्यूटी कर रही है। और ये देखो भाई सामने, तो ये तो बिल्कुल व्यू है, फ्रंट व्यू जो मैंने आपको दिखाया है राम मंदिर की रेप्लिका का चंडीगढ़ में। और भाई देखने में ऐसे ही लग रहा है कि आप सच में अयोध्या पहुंच गए हो राम मंदिर में, और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। और अभी सनसेट हो रहा है तो उस तरीके से थोड़ा है ना आपको देखने में क्लियर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सनलाइट बैक साइड से आ रही है। ये देखो, अब थोड़ा आपको और आगे जाके दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, तो यहाँ से भी आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। ये देखो सामने, तो होप करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा भैया देखने में। अभी मैं बिल्कुल सेंटर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ, और इस साइड देखो। तो भाई कमेंट सेक्शन में ना जय श्री राम पक्का लिख के जाना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और ये दर्शन अच्छे लग रहे हैं। अभी आपको मैं अंदर जाके भी दर्शन करवाऊँगा, और अंदर जो राम जी के लिए चरण पादुकाएं बनाई गई हैं चांदी की, वो भी रखी गई हैं कन्हैया मित्तल के द्वारा, जो यहाँ से अयोध्या जाएंगी 22 जनवरी को चरण पादुकाएं, वो भी हैं यहाँ पर। और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी अंदर जाके दर्शन कराऊंगा। वो चरण पादुकाएं यहाँ पे सब दर्शन कर सकते हैं उनके, जो कि उस दिन राम जी के चरणों में रखी जाएंगी 22 जनवरी को। और सच में भाई बहुत ही यहाँ पे आकर मन को सुकून मिल रहा है और सच में अच्छा लग रहा है। तो चलो अभी मैंने आपको ये पूरा सामने का व्यू तो दिखाई दिया है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ
अंदर और अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो भाई अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में पक्का जय श्री राम पक्का लिखना। साइड से आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ। और मंदिर के बिल्कुल एंट्री के सामने ना कुछ इस तरीके की स्टॉल्स भी लगी हुई हैं जो आप यहाँ से कुछ सामान बाय कर सकते हो। यहाँ पे एक और छोटी सी रेप्लिका पड़ी है राम मंदिर की, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये कुछ शॉप्स यहाँ पे लगी हुई हैं, इत्र वगैरह सेल कर रहे हैं। और ये कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप धूप वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो, ठीक है। और इधर से आपको व्यू दिखाता हूँ, ये देखो तो भाई कमेंट सेक्शन में पक्का बता के जाना आपको ये व्यू कैसा लग रहा है देखने में राम मंदिर का चंडीगढ़ में। और जय श्री राम पक्का लिखना। और ये आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप इसको पढ़ भी सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। जय श्री राम, राम जन्मभूमि अयोध्या सेक्टर 34। और जो जो यहाँ पे प्रोग्राम होने वाले हैं उनकी डेट मेंशन करी हुई है और क्या क्या होने वाला है सब कुछ मेंशन करा हुआ है, आप यहाँ से ले सकते हो। अलग से भी आपको फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो चलो अभी सबसे पहले आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे भाई जगह जगह जो ये झंडे लगे हुए हैं ना कितने प्यारे लग रहे हैं देखो भाई। तो सब पे जय श्री राम मेंशन है और जस्ट टॉप पे झंडा लगा हुआ है उस पर भी जय श्री राम लिखा हुआ है। और ये जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है राम मंदिर, इस रेप्लिका को बनाने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो 22 जनवरी को इनॉग्रेशन होने वाली है राम मंदिर की, तो लोग वहाँ पर जाएंगे। अगर कुछ लोग नहीं भी जा पाएंगे तो वो जो लोग यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं चंडीगढ़ में रहकर वो यहाँ पर कर सकते हैं और यहीं से ही राम जी की ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो चलो भाई अब सबसे पहले अंदर चलते हैं और आपको अंदर भी दर्शन करवाते हैं। तो भाई यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो दर्शन, कितने ही प्यारा यहाँ का व्यू है और लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो भाई अभी आप दर्शन कर रहे हो जो राम मंदिर अयोध्या में बना, वहाँ पे जो राम जी की मूर्तियाँ स्थापित होंगी उनकी भी यहाँ पर फोटो लगाई गई है। देखो कितनी प्यारी है भाई, सामने से भी आपको जूम करके दिखाता हूँ। और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए भी पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और ये बिल्कुल ही एंट्री का व्यू है, जैसे ही आप एंटर करोगे सामने आपको इसके दर्शन होंगे यहाँ पर। और यहाँ पे भी आप अपनी फोटोग्राफ खिंचवा सकते हो और लोग फोटोज खिंचवा भी रहे हैं, ये देखो भाई। तो सच में लोग बहुत ही प्यार से दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर और मन को शांति मिल रही है भाई यहाँ पर आके। तो चलो अभी आपको मेन पंडाल में भी लेके चलता हूँ। अंदर कुर्सियाँ चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, अभी अंदर चलते हैं आगे। तो भाई यहाँ पे दो तरीके से एंट्रियाँ हो रही हैं, जनरल एंट्री भी है और वीआईपी एंट्री भी है। वीआईपी एंट्री के लिए आपको पासेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो है लेफ्ट साइड पे। तो वहाँ अगर आपके पास पास है तो आप वीआईपी एंट्री में एंटर कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर जनरल पब्लिक के लिए भी फ्री एंट्री है, आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो। देखो भाई सामने और लोग यहाँ पर फोटोज़ वगैरह खिंचवा के जा रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। सामने अभी जो नज़ारा है बहुत ही प्यारा देखने में राम जी का, ये देखो भाई पंडाल आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है पंडाल देखने में। वह मैं आपको पूरा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई वाइड में। तो अंदर से भी बहुत ही प्यारा पंडाल और बहुत ही सुंदर बनाया गया है ये। तो चलो अभी आपको मैं आगे जाके भी थोड़ा दर्शन करवा के लाता हूँ, आ जाओ अभी आगे चलते हैं। तो भाई अगर चंडीगढ़ में रहकर आपको राम मंदिर के दर्शन करने हैं तो आप सेक्टर 34 में आ सकते हो और राम जी की ब्लेसिंग ले सकते हो। आओ अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप चेयर्स देख ही सकते हो भाई, सारी जनरल पब्लिक की चेयर्स भी बुक हो चुकी हैं और सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े भी हैं। और बिल्कुल भी जगह नहीं है बैठने के लिए क्योंकि लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर
दर्शन कर रहे हैं और जो कथा हो रही है उसको सुन रहे हैं, और आगे जाके दर्शन करते हैं। अभी आ जाओ। और जगह जगह यहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं ताकि बच्चे से दर्शन कर पाओ। तो चलो अभी थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। तो चलो भाई अभी आपको मैं कोशिश करवाता हूँ कि मैं आपको आगे जाके दर्शन करवा सकूँ। बाकी आप वीडियो में देख सकते हो मैं VIP वाली साइड ही जा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा आपको दर्शन करवा सकूँ। बिल्कुल ये पंडाल देख ही रहे हो आप सारा, पूरा पंडाल फुल है। और भाई आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो तो पक्का यहाँ पर आकर दर्शन करके जाना। और देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ एंट्री हो रही है या नहीं हो रही। अगर VIP पास की एंट्री है वो मैं आपको बता दूंगा। और चंडीगढ़ में तो सरकार ने पास के बिना अगर एंट्री हुई तो भी मैं आपको बता दूंगा। और दिखाते हैं तो देखो भाई यहाँ से एंट्री है, बट अभी एंट्री इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि आगे पंडाल बिल्कुल फुल हो चुका है। तो आप यहीं पर बैठ के ही इस तरीके से ये स्क्रीन्स के थ्रू ही दर्शन कर सकते हो। तो बाकी का शेड्यूल भी आपको फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन्स के ऊपर, जो जो यहाँ पर किस किस दिन किस किस ने यहाँ पर आना है वो भी आपको दिख जाएगा। आप पढ़ सकते हो स्क्रीन्स के ऊपर और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो भाई कितने लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हुए हैं और लोग आराम से बैठ कर आनंद ले रहे हैं। और यहाँ से एंट्री है अगर आप आगे तक जाना चाहो, दर्शन करना चाहो, बट अभी काफ़ी पब्लिक आ चुकी है भाई यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, तो उसके कारण यहाँ पर अभी एंट्री बंद कर दी गई है। तो यहाँ ये देखो भाई सामने कितनी प्यारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं और कुमार विश्वास यहाँ पर हैं अभी। तो मैं बिल्कुल पंडाल के सेंटर से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो लोग ही आनंद ले रहे हैं। राम कथा में राम के अतिरिक्त आपके सबसे प्रिय पात्र, इसका जवाब देना संभव नहीं है। नायक के साथ जितने पात्र जुड़े हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, इस कहानी का तो नायक भी महान है। रावण जैसा बुद्धिमान, रावण जैसा मेधावी और ये जानने वाला कि परमात्मा पृथ्वी पर आ गया है उसे मुक्ति देने वाला नायक मिलना दुर्लभ है। हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। किस बात की चर्चा करें, लक्ष्मण की, भरत की, कौशल्या की, शबरी की, निषाद की, भरत खंडे और राम जी के हाथ में हाथ जुड़ गया और गंगा के किनारे लेट लेट कर इससे अंदाजा लगाओ। भाई होप करता हूँ आपको मेरे साथ राम मंदिर के दर्शन करके अच्छा लगा होगा, जो कि चंडीगढ़ में रेप्लिका के मैंने आपको दर्शन करवाए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो पक्का यहाँ पर विज़िट करके जाना, अगर आप चंडीगढ़ या ट्राई सिटी में कहीं पे भी रहते हो। और अगर आप अयोध्या नहीं जा सकते उस दिन तो यहाँ से ही आप राम जी का आशीर्वाद ले सकते हो और राम जी की ब्लेसिंग्स ले सकते हो और दर्शन कर सकते हो राम मंदिर के। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सबको बाय बाय।